तो आप लोगों ने मम्मी को देखा है? जी देखो गाइस, हमने जब देखा देखा था ना, आप पूरी वीडियो को लाइक जरूर देखना एक बार गाइस। ओह माय गॉड, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना, एक बार एंड तक ऐसा जरूर लग रहा देखना है गाइस, जैसे बहुत ही सच अच्छा में लगता बस है, और मम्मी लाइक के जरूर कर पीछे देना। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मम्मी यहाँ से, 9 किलोमीटर है, तो अभी 9 किलोमीटर आगे आपको दिखाएंगे रियल मम्मी। हमने भी काफ़ी सुना था, सोचा हमने क्यों ना देख के जाएँ। अभी हम ताबो से वापसी पे, हमने थोड़ा कुछ सोचा कि हम देख के जाते हैं अभी, तो अभी हम रास्ते में हैं, तो आप देखो ब्लॉग में बने रहना आगे, तो आगे मिलते हैं। अभी पहुंचने वाले हैं, तकरीबन 2-3 किलोमीटर और रह गया है यहाँ से। तो ये देखो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए मम्मी के टेंपल पे, तो टेंपल बहुत ही सुंदर है। अभी आगे देखते हैं क्या बना है। इतना इतिहास के बारे में बताऊंगा नहीं आपको, जितना हो सकता उतना एक्सप्लेन करूंगा यहाँ के बारे में। तो आप वेदर देख सकते हो, इतना सुंदर है ना वेदर, बहुत ही अच्छा वेदर है। तो अभी सामने मम्मी का टेंपल बना हुआ है, तो मम्मी देखते हैं आगे, तो जहाँ मम्मी के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, तो जहाँ इन्होंने स्पेशल लिस्ट लगाई हुई है कि रिमूव योर शू, अंदर शू डाल के मत जाओ, क्योंकि अंदर ज़्यादातर कोई आते हैं वो शू वगैरह नहीं उतारते, तो इसलिए हमने शू उतारे और अंदर गए। तो जहाँ इतिहास के बारे में अभी देखते हैं, अभी हम एक दूसरे को बता रहे हैं कि ऐसा, तो अभी हम अंदर जाएंगे, तो आप देखना। ये देखो मम्मी के बारे में, जहाँ वीडियो को पॉज करके आप रीड कर लेना अगर आपने ज़्यादा जानकारी लेनी है। तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, अगर आप भी आते हो तो एक बार ज़रूर जहाँ आना। तो मिलते हैं आगे, वो जहाँ से गाइस अभी तरुण भैया एक्सप्लोर करेंगे, तो देखना अभी ब्लॉग में बने रहना। तो ये है गाइस वो मम्मी इनकी जो अभी तक जीवित है, आप देख सकते हो लाइक ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे सच में तो बस में देखे होंगे। देखो क्या कैसी रूह है ना ये, तो चलो अभी इनके ऊपर जो मिनिस्ट्री है तो वहां पे जाके देखते हैं। अभी इस टूर को बंद करना पड़ेगा मुझे, ये मिनिस्ट्री है तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो अभी ट्रैक्टर भी जहाँ से नो के कारण फंसा हुआ है गाइस, देख सकते हो आप। तो अभी हम सोच रहे हैं कि ऊपर जाके आए मोस्टली, जहाँ टेंपल है ना जो, उसके ऊपर। तो अभी देखो जहाँ बर्फ़ कितनी पड़ी हुई है, तकरीबन -4-5 के टेम्परेचर है जहाँ, तो इतनी बर्फ़ 4-5 टेम्परेचर में है, ज़्यादातर जहाँ धूप वगैरह भी नहीं पड़ती, सो इसलिए बर्फ़ है। तो अगर आप देख सकते हो, तो देख रहे हैं हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाके दिखाते हैं गाइस आपको, व्यू इतना अच्छा है ना, मैंने किसी का ब्लॉग देखता था, उस ब्लॉग में ये व्यू देखा था, तो जब मैंने ये खुद देखा ना, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो हमारी सामने बाइक खड़ी है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना ऊपर, तो जब हम ऊपर गए ना तो देखा, तो इतना अच्छा था ना गाइस क्या बताएं। तो आसपास में बर्फ़ थी जो, वो तो अलग ही बयान कर रही थी। तो आप देख सकते हो वीडियो में, ये पूरा मतलब गेट टाइप बनाया हुआ है, ये देखो पूरा बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ बनाए हुए हैं, तो जी देख सकते हो आप। तो अभी हम ऊपर जाने की सोच रहे हैं, इतनी हवा चल रही है ना गाइस, तो हवा के कारण इतना आवाज़ भी नहीं बोला जा रहा। तो आप देख सकते हो, अभी आपको ना यहाँ से
चाइना बॉर्डर दिखाते हैं। ये देखो गाइस इधर है ना चाइना बॉर्डर है इसके पीछे। तो हमने जब देखा ना तो हमने उनसे पूछा, हमारे फ़ोन में टाइम भी चाइना का आ रहा था, हमने पहले तो गौर नहीं किया। तो जब हमने गौर किया तो क्या ही बताएं। तो ये देख सकते हो आपने कितने सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ, मतलब क्या इमारत बनाई है, क्या सोच के बनाया होगा मंदिर को। तो आप देख सकते हो ये रिक्की भैया भी एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ, देख रहे हैं अंदर क्या है अंदर क्या नहीं है। तो ये देखो मतलब आसपास इतना अच्छा है ना, जब ये पहाड़ जो काले हुए हुए जहाँ जो बर्फ़ पड़ती होगी ना तो इतना अच्छा दिखाई देगा होगा ना, क्या ही बताएं। और ये सामने चाइना का बॉर्डर। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं गाइस, तो अभी हम ऊपर जाएंगे और इतनी ठंड है ना क्या ही बताएं, इतनी हवा चल रही है। तो अभी ऊपर भी नहीं चढ़ा जा रहा हमसे, तो ये देखो गाइस जैसे गेट नीचे बना हुआ था ऐसे ऊपर बना हुआ है। तो अभी हम आगे नहीं जाएंगे यहाँ से, अभी हम यहाँ से नीचे चले जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो वहाँ चलने के कारण हमें हेलमेट दोबारा डालना पड़ा, हेलमेट चलो साथ में ही लेके गए थे ऊपर। तो अभी हम नीचे जाने और की इसका सोच ही क्या रहे थे, इतना रिस्क लग रहा था ना, पूरी बिल्कुल स्ट्रेट है, डर डर के नीचे जा रहे हैं। सांस भी फूल रहा है हमारा तो यहाँ। गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं। तो इतना अच्छा ताबो नहीं था जितना जहाँ मम्मी है वेलकम टू मम्मी जहाँ बोर्ड लगा हुआ था। तो वापसी में जो लड़के मिले थे हमें थोड़ा अच्छा लगा। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, तो अभी आगे रुकेंगे कहीं। कुछ रोड का व्यू लिया था, इतना गंदा रोड था ना, तो रोड के बारे में हमने बताया ही नहीं इतना, सही बात बताने। तो वापसी में थोड़ा डिस्पैच आया था, ये देख सकते हो आप, अभी शायद बन गया हो, अभी थोड़ा टाइम लगा।